हेलो एवरीवन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आज की शॉर्ट वीडियो में अपडेट देंगे जो भी होगी जूट की तरफ से या जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट गवर्नमेंट वुमेन पेड कॉलेज जम्मू की पूरे अपडेट्स कवर करेंगे इस वीडियो में आप स्टोट से गुजरिए कि आप इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें तो भाई जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था बीएड का तो वो वहाँ पे लॉग इन करके प्राइवेट कॉलेज के जि लिए जिन स्टूडेंट तो ने फॉर्म फिल किया था तो बीएड की एडमिशन की डेट जो है वो खत्म हो चुकी है ठीक है आप अपने लॉगन करके वहाँ पर देख सकते हो अपना रैंक क्या है वहाँ पर ठीक है बाकी डिटेल्स और आपकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह हैं वो वहाँ पर वोट की जाएंगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट्स नहीं की गई है उसके बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से कोई भी अपडेट्स नहीं है गवर्नमेंट वुमेन पेड कॉलेज जम्मू की जो बारह से जो काउंसलिंग की जा रही है पी की वहाँ पे ओपन मेरिट सीट्स के लिए ठीक है बाकी डिटेल नोटिफिकेशन ने ऑलरेडी आपको सेंड किया हुआ है तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑड किए गए थे ठीक है जूट की तरफ से वो आपको यहाँ पे बताएंगे डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ऑड किया गया था कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो गई मैं आप नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एंड जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसका लिंक मिलेगा तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करिए इंस्टाग्राम का पेज आपको जेके स्टूडेंट अपडेट्स के वन ना जे के स्टूडेंट अपडेट वन नाइन सिक्स जीरो के नाम पे आपको जो पेज मिलेगा आप उसको जो है वो फॉलो करें ठीक है बात करें हम यहाँ पेज एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर फोर के यहाँ पे जो बात करें यहाँ पे यहाँ पे साफ इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे यहाँ पे 50 परसेंट आपको रिलेक्सेशन मिलने वाली है क्रेडिट स्कोर्स में अच्छी मिड कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स हैं ठीक है जो जैसे स्पोर्ट्स में हो गए कल्चर एन सी भारत स्कॉट्स जो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बताएगी कोविड की वजह से जो यहाँ पे इवेंट्स नहीं किए गए जो भी स्पोर्ट्स वगैरह के ठीक है तो उसमें यहाँ पे आपको जो फिफ्टी परसेंट बार जो है वो रिलेक्सेशन मिलने वाले हैं अगर किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पे मिनिमम फिफ्टी परसेंट क्रेडिट से यहाँ पे तो उसको भी एडमिशन मिलने वाले हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंट आपको क्रेडिट जो है वो जो रिलैक्सेशन उसमें मिलने वाली है ठीक है आपके जो भी है यहाँ पर ठीक यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी पीजी जी के एडमिशंस होंगे अचीवमेंट कैटेगरीज में ठीक है उनको फिफ्टी परसेंट यहाँ पर रिल्सेशन दी गई है जो अचीवमेंट कैटेगरीज़ में जिन जो अगर किसी ने स्पोर्ट्स नसस, कल्चर एन एस एस एन एन सी सी के लिए यहाँ पर अप्लाई किया हुआ जो अपने है जो तो आपने अचीवमेंट कटेगरीज लगाई गई हैं और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पे कोई भी क्रेडिट्स आपको नहीं दिए जाएंगे जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपने की हैं ठीक है यहाँ पर कल्चर एक्टिविटीज़ में अगर कोई भी आपने एक्टिविटीज़ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई आपने क्विज़ किया ऑनलाइन किया या कुछ और किया है तो ऑनलाइन में आपका वो जो है वो अचीवमेंट कैटेगरीज में आपको उसके स्कोर नहीं मिलने वाले बाकी आपने जो ऑफलाइन किए होंगे उसके जहाँ पे आपको स्कोर दिए जाएंगे ठीक है इस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है ओके okay? उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया था यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी कल भी वर्क करेगी ठीक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ तो यूनिवर्सिटी जो संडे को भी वर्क करने वाले हैं आज भी यूनिवर्सिटी जो कंटिन्यू वर्क कर रही थी क्योंकि यहाँ पे जो पीजी जी एडमिशन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे निकाला गया है कि पीजी एडमिशन की वजह से आपके जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स वो यहाँ पे फंक्शन ले रहेंगे ठीक है ग्यारह बारह दो को संडे को भी ओके okay. उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ई डब्बू एस एंड वीकेंड अंडर प्रविज कैटेगरीज़ में तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इन्होंने ठीक है तो यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस निकाला है कि जो एस आर ओ यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं डब्ल्यू एस ओ हो गई एस और उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वीक कैंड अंडर प्रिविलेज उसमें जो एस आर ओ के यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस किया है इसमें जो कुछ चेंजेस की गई हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल जो स्टूडेंट्स ने कुछ सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने यह अपील की है जो भी एडमिशन कैटेगरी से यहाँ पे ठीक है ई डब्ल्यू एस एंड एंड वीक अंडर प्रोविलज में तो उसमें यहाँ पे उन्होंने जो एडमिशन है वो विदहल्ड कर दिया ठीक है और यहाँ पे जो मैटर है वो रेफ़र कर दिया गया है अपीलीट कमेटी को ठीक है तो जब अपीलीड कमेटी को यहाँ पे जो मैटर सॉल्व होगा उसके बाद इन कैटेगरीज़ के एडमिशन होगी ई डब्ल्यू एस के एंड वीक एंड अंडर प्रोविलज के ठीक है एडमिशन को रोक दिया गया है इन कैटेगरीज़ के लिए अब इन कैटेगरीज़ की लिस्ट जो है नहीं आउट की जाएंगी जिनकी एडमिशन हो गई है वो ऑलरेडी वैसे ही रहेंगे उनको एडमिशन को कुछ भी कैंसिल वगैरह नहीं किया जाएगा वो एडमिशन ऑलरेडी हो गई है ठीक है बाकी जो एडमिशनस होनी है इन कैटेगरीज की एस जो ई डब्ल्यू एस एन प्रिविलेज की इनकी एडमिशन आप जो है वो रोक दी गई है और फर्दर जो मैटर है वो एबिलेट कमेटी को सौंप दिया गया है जब तक इसमें जो डिसीजन आता है तब तक आपकी एडमिशन नहीं होगी ठीक है जो कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जो कैटेगरीज बनाई हुई थी ठीक है वो ऐसी ही मतलब फेक कैटागरीज आप बोल सकते हो ठीक है तो उसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी मैटर वो रेफर कर दिया ठीक है ओके तो ये थी कुछ इंपर्ट अपडेट जब तक शेयर करने थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से थैंक यू